अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ मोहम्मद मोहित, चैनल है हम टैक्सी। तो आज जिस चीज़ का हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो है हाउ टू ड्राइव ऑटो प्लस मैनुअल कार। तो रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ बताना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ, और अगर आप हम ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। पहले हम ऑटो के बारे में कुछ समझ लेते हैं। ये सबसे पहली बात कि ऑटो भी है और मैनुअल भी है, इसमें मैनुअल गियर मतलब मैनुअल भी आता है और इसके अंदर क्लच नहीं होता और ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट होता है, उसको बस डी पे करके सेट कर देते हैं। और इसके अंदर आपने जब गाड़ी को चलाना है तो सबसे पहले कि आप जब गियर डालेंगे तो आपने फुल रेस नहीं देनी, क्योंकि ऑटो गाड़ी में अगर आप फुल रेस देंगे तो वो इंजन में मसला आ जाएगा, इसलिए आपने स्लोली स्लोली करके आगे चलाना है। आइए तो फिर इसकी तरफ चलते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको मैं चाहता हूँ कि गाड़ी का एक फुल रिव्यू दे दूँ कि ये इसका डैशबोर्ड आपको ये जो सामने इसका पूरा डैशबोर्ड है, इसके ऊपर ये पावर स्टेयरिंग लगा हुआ है और इस पर LCD लगी हुई है और मैनुअल में मैनुअल नहीं एनालॉग एसी आता है, एनालॉग एसी आता है और इसका सामने एक गियर शिफ्ट है। और आगे हम आपको गाड़ी के अंदर तो ये हम इसके आगे आगे ये इसका पावर स्टेयरिंग है और जो अभी लॉक है, जब ये स्टार्ट होगी तब इसका होगा ऑटोमेटिक, गाड़ी में इस तरह ही होता है। और नीचे आपको दिखाते चलें कि दिस फॉर ए एक्सेलरेशन, और ये ब्रेक है और ये इसकी हैंड ब्रेक है। और अगर आप मैनुअल गाड़ी में आएंगे तो उसमें 3 लीवर्स होते हैं, एक्सेलरेशन, ब्रेक और क्लच, इसमें सिर्फ 2 ही लीवर्स हैं और ये आपकी हैंड ब्रेक है। यहाँ पे इन्होंने पैरों में हैंड ब्रेक दी हुई है, कुछ यहाँ पे दे देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने बस इसको इसमें 2 चीज़ों को याद रखना है, रेस और ब्रेक, ए और बी। और इसको अगर आपने हैंड ब्रेक को होल्ड करना हो तो इसको इस तरह करेंगे तो हैंड ब्रेक होल्ड हो जाएगी, और इस तरह इसको दबाएंगे तो हैंड ब्रेक ऑफ हो जाएगी। अब इसको स्टार्ट करते हैं और आगे। तो ये इसका आ गया है पावर स्टेयरिंग, जो कि अभी लॉक है क्योंकि अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं है। और मैनुअल गियर में गाड़ी में आपको मैंने बता दिया कि 3 लीवर्स होते हैं, रेस, ब्रेक और मैनुअल गाड़ी में 3 लीवर होते हैं, यहाँ पे क्लच होता है। लेकिन ये ऑटो गाड़ी है, इसमें सिर्फ 2 लीवर्स हैं, रेस और ब्रेक, जिसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे ए और बी से। और आपको ये बात पहले मैं समझाता चलूँ कि आपने रेस और ब्रेक को सिर्फ राइट पाँव से चलाना है, इसमें लेफ्ट पाँव फ्री है। अगर आप मैनुअल गाड़ी चला रहे हो तो उसमें आपका राइट पाँव रेस और ब्रेक के लिए और लेफ्ट पाँव आपका होगा क्लच के लिए, लेकिन आपने इसमें सिर्फ राइट पाँव से चलाना है। अगर दोनों पाँव से चलाते हैं तो अगर आप खुदा ना खास्ता कोई जल्दी रोकनी पड़े, एमरजेंसी रोकनी पड़े, तो आपका दूसरा पाँव से रेस भी दब जाती है, जिससे आप ठुक सकते हैं, तो इससे बचने के। और इसकी हैंड ब्रेक है जिसको हम इस तरह करेंगे। तो ये स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना कि आपका जो गियर है वो पी पे हो। अगर फॉर एग्जांपल आपका गियर डी पे, आर पे या एनओ पे होगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। कुछ लोग इस तरह भी होते हैं कि उनका गियर लीवर होता है आर पे तो वो गाड़ी को स्टार्ट कर रहे होते हैं तो वो स्टार्ट नहीं होती। आपने सबसे पहले गियर को पी पे रखना है, देन आपने ब्रेक को होल्ड करना है। अगर आप ब्रेक होल्ड नहीं करेंगे तो स्टार्ट नहीं होगी गाड़ी आप। और देन थर्ड पे आपने स्विच दबाना है पावर स्टार्ट ऑन का, ये इसका राइट पे है, इसको दबाते हैं। ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, ये इसकी अब LED भी स्टार्ट हो चुकी है। तो आपने इसको चलाने के लिए सबसे पहले करना है, आपने अपना पाँव, राइट पाँव जो है वो ब्रेक पे दबा के होल्ड रखना है और गियर को धीरे से डी पे कर देना है। जैसे डी पे लग जाएगा आपने अपने राइट पाँव को हल्का हल्का छोड़ना है और गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी। और दोबारा रोकने के लिए आपने दोबारा ब्रेक को दबा देना है। अगर ये अभी इसमें रेस थोड़ी सी तेज़ है इसलिए हमें रेस दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, थोड़ा सा क्लच छोड़ें तो ये चढ़ रही है। अब देखें जैसे अब दोबारा करते हैं, थोड़ा सा क्लच छोड़ेंगे और ये ब्रेक को थोड़ी सी ब्रेक छोड़ेंगे और ये चलना शुरू हो जाएगी। और आपने अगर इसको बैक जाना हो तो आपने इसी तरह बिल्कुल ब्रेक पे पाँव रखना है और इसको आर पे कर देना है। आर पे हो गए तो यहाँ पे इसका रिवर्स कैमरा ऑन हो चुका है, इसमें रिवर्स कैमरा है तो रिवर्स कैमरा ऑन हो चुका है। अब ये देखें जैसे ही आप ब्रेक को छोड़ रहे हैं आपकी गाड़ी पीछे जाई जा रही है। ऑटो गाड़ी में आपने ये बहुत दूसरी बार इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत जरूरी है, आपने जब इसको रोकना हो इसको दोबारा
पी पे कर देना है। पी पे करेंगे तो गाड़ी के जो टायर है ना, बैक वाले टायर, वो लॉक हो जाएंगे। अगर आप पी पे नहीं रखेंगे इसको, एन पे बंद करेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगी गाड़ी, मतलब फ्री हो जाएगी, इसको फ्रीली मूव कर सकते हैं। इसलिए आपने अगर इसको पार्क करना है तो पी पे रखना है, वरना आपने अगर इसको धक्का लगाना है तो अगर कोई मसला आ गया, ख़राब हो गई है, तो इसको आपने एन पे रखना है, एन पे। और एक और बात याद रखेंगे, ये और मैनुअल गाड़ी की तरह नहीं है। अगर आप इसको मैनुअल धक्का लगा के स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये गाड़ी आपको, मैं अब इसके गियर के फंक्शंस बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपने इसको ब्रेक पे पाँव रखना है, देन जब ब्रेक पे पाँव रखने हो उसके बाद ये आप जब इसको नॉर्मल पोजीशन में खड़ी होगी तो करेंगे तो ये पार्क पोजीशन में खड़ी होगी, पी पे, पी स्टैंड फॉर पार्क। इसमें गाड़ी के जो पिछले टायर हैं वो लॉक होंगे, आप इसको किस जो मर्जी धक्का मर्जा लगा के इसको आगे मूव नहीं कर सकते। और अगर आपने इसको ड्राइव करना है तो इसको दबाना है और इसको डी पे कर देना है, देन ये ड्राइव मोड पे हो जाएगी, अब ये आगे हो जाएगी। अगर आपने इसको रिवर्स करना है तो ब्रेक को दोबारा पकड़ना है, ब्रेक को दोबारा पकड़ना है और आर पे कर देना, आर स्टैंड फॉर रिवर्स। रिवर्स में पिछला कैमरा भी आपको नज़र आ जाएगा और ये अब गाड़ी पीछे जाएगी। और अगर आपने इसको न्यूट्रल पे करना है तो इस तरह आपने एन पे कर देना है, एन पे ये न्यूट्रल हो जाएगी। अब ये ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, अब ये फ्रीली है, फ्री हो गई है, यानी कि अब अगर घाटी पे है तो ये नीचे जाएगी। लेकिन अगर आप ये कोई पहाड़ों पे हैं तो आप पहाड़ से नीचे उतरते हुए ये कर सकते हैं कि न्यूट्रल पे कर लें और कर लें, लेकिन ये सेफ़ नहीं है क्योंकि अगर आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग अचानक किसी वजह से लॉक हो गया तो आप गिर सकते हैं खाई से वगैरह से, पहाड़ से। तो आपने ये ध्यान रखना है। दोबारा बताता चलूँ, पी स्टैंड फॉर पार्क, किसमें आपकी गाड़ी पार्क होगी, लॉक होगी, आर स्टैंड फॉर रिवर्स, बैकवर्ड जाएगी, डी स्टैंड फॉर ड्राइव, अपवर्ड जाएगी, और एन स्टैंड फॉर न्यूट्रल, मींस गाड़ी फ्री है। और अगर आप ये इसमें ये गाड़ी में मैनुअल भी है, अगर आपने इसको मैनुअल में करना है तो आपने इसको नीचे करके इस तरह कर देना, तो ये मैनुअल में हो जाएगी। अब अगर आप इसको नीचे करेंगे तो ये गियर लगेगा, और अगर इस तरह ऊपर करेंगे तो ये गियर निकलेगा। अगर पहले गियर से नीचे नहीं हो सकती और इस तरह करके आप दोबारा डी पे कर सकते हैं और पार्क। मैं छोटा सा बता देता हूँ कि आपने इसमें मैनुअल किस तरह करनी है। सबसे पहले आपने ब्रेक को होल्ड करना है, देन आपने ये पी पोजीशन से इसको डी पे लेके जाना है। डी पे मतलब कि ये ऑटोमेटिक खुद गियर लेगी, और आपने डी से ही थोड़ा सा लेफ्ट पे करना है तो आपका ये मैनुअल पे गियर पे हो जाएगी। अब आप इसमें जब नीचे को करेंगे तो ये प्लस गियर प्लस करेगी, एंड जब ऊपर को करेंगे तो माइनस करेगी। लेकिन जब आप इसको फाइव गियर पे, फोर गियर पे, यानी अचानक ब्रेक मारते हैं, रुकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही वन पे चली जाएगी। ये बस यूज़र के लिए है कि अगर यूज़र को मैनुअल गियर की आदत है तो वो इस तरह चला ले। और इसमें आपको चला के दिखाते हैं कि किस तरह चलाना है। आपने मैनुअल पे किया हुआ है, ऊपर नज़र आ रहा है मीटर पे कि गियर पहला लगा हुआ है। आपने अब इसी गियर्स को इस तरह दूसरा कर लिया है, अब गाड़ी हल्की हो गई है और अब दूसरा गियर लग चुका है। अब इसमें तीसरा ही लग सकता है क्योंकि उसके लिए कम से कम 40-50 की स्पीड पे जाना ज़रूरी है। और अगर आप ये तो हमारा रिव्यू, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन पे पार्ट पे मिल सके। अल्लाह हाफिज़।